गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। आज, कल, परसों कभी भी चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी अपना पूरा जोर चुनाव प्रचार में लगा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, सभी पार्टियों के अंदरूनी कला और असल सच्चाई खुलकर बाहर सामने आने लगी है। गुजरात चुनाव के जोर आजमाइश के बीच बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात के कद्दावर नेता बालकृष्ण पटेल पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व पार्टी प्रेसिडेंट सिद्धार्थ पटेल की मौजूदगी में उन्होंने अहमदाबाद में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बालकृष्ण पटेल बड़ोदरा जिले के दभोई सीट से भाजपा के टिकट पर 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। बालकृष्ण पटेल का इस्तीफा और कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो पाटीदारों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। कई सीटों पर उनका बड़ा और स्पष्ट प्रभाव है। बालकृष्ण पटेल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने भाजपा इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे लगातार दरकिनार किया जा रहा था। बालकृष्ण पटेल सम्मान की खोज में कांग्रेस में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस और गुजरात उन्हें कितना सम्मान और प्यार देते हैं। हार्दिक पटेल का भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पाटीदारों में अपनी पैठ बनाने और उनका भरोसा जीतने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रही थी। ऐसे में बालकृष्ण पटेल का कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी का बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि वो पाटीदारों के बड़े नेता हैं और उनकी पैठ बड़े क्षेत्र तक है।